हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अन एकेडमी यूजीसीनेट। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट डिजिटल और एनवायरमेंटल अफेयर्स लेके आती हूँ हर सुबह 8 बजे। तो एक बार जल्दी से मुझे ए वी चेक कराइए सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर सेशन फॉर टुडे। आई होप कि इट इज ऑल क्लियर। थंबनेल पर मैंने आप लोगों को एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया था। आई वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग अंशु, गुड मॉर्निंग अनु, सोनाली, सुखदीप। तो एक बार मेरा ए वी चेक करा दीजिए गाइज, इज इट ऑल क्लियर। चलिए, तो 9th of March है आज, और आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। और स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं फॉर योर पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट यूनिट एंड योर ICT का डिजिटल अफेयर्स एंड हायर एजुकेशन का भी डिजिटल अफेयर्स। राइट, इट इज क्लियर। चलिए तो शुरू करते हैं गाइज। आप लोगों से मैंने क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर एस्पिरेंट्स ऑफ वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अंडर अभ्युदय योजना। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा गाइज उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, यूपी इसका करेक्ट आंसर होगा। योगी जी ने जो है ये स्कीम शुरू करी है। जैसा आप और हम दोनों जानते हैं अच्छे से कि पिछले कुछ समय के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो रेस है वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो गई है। मेजरली जितने भी आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेड के स्टूडेंट्स होते हैं, अब वो क्या करने की कोशिश करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जॉब अगर आप लोगों को लेनी है या और भी किसी तरीके की जॉब के लिए, तो उस कॉम्पिटिशन की तैयारी करने के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के तौर पर एक योजना है जो योगी सरकार लेके आई है। इस स्कीम के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाएगी उन कैंडिडेट्स को जो बहुत अलग अलग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। अभ्युदय योजना ये यूपी के अंदर हुई है गाइस, ये फरवरी के अंदर आई थी। क्वेश्चन इसका बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है ना। अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कोचिंग सेंटर्स यहाँ पर खोलने वाले हैं और ऐसा काम होने वाला है। अगर आप भी यूपी से हैं तो डेफिनेटली जाइए, यहाँ पर बताइए कैसे अप्लाई करा है, वो सारी वेबसाइट पे मिल जाएगा आप लोगों को। अपना एग्जाम का सिलेक्शन आप करिए, फॉर्म फिल करिए, वेरीफाई करिए अकाउंट को, और फिर आप कंफर्मेशन के साथ में अपना पढ़ाई कर सकते हैं रजिस्टर करके यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। बस कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखने योग्य होगी कि क्या जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है वो उस लेवल का है जिस लेवल के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं, क्या यहाँ पर सर्टिनिटी रहने वाली है। इन सभी चीज़ों पे अभी काम हो रहा है, मतलब ये चीज़ें तो हम ही बता सकते हैं यूज़ करने के बाद में। तो अगर आप लोग भी यूपी से बिलोंग करते हो तो ज़रूर इसको यूज़ करें और बताइएगा कि कैसी है ये। वैसे तो हर स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो है वो एफर्ट्स करता है, बट यूपी गवर्नमेंट ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए ऐसी चीज़ करी है। आप भी जानते हैं कि यूपी हमारे कंट्री का, हमारे देश का सबसे पॉपुलस सिटी है, स्टेट है, राइट। तो वहाँ की जनता का कंपटीशन एक अलग लेवल पे होता है। वर्ल्ड में हम आते हैं, वर्ल्ड में आता है यूपी पॉपुलेशन के मामले में, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कंपटीशन एक अलग लेवल पे है। स्टेट अगर हम लोग बात करें, जितनी भी आपकी स्टेट एग्जामिनेशन है उनकी भी, और इंडिया में तो ऑफकोर्स होते ही हैं, राइट। चलिए गाइस, तो शुरू करते हैं इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, और कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट डिटेल्स जिसमें मैं पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। मेरा नाम अदिति शर्मा है, अनअकैडमी यूजीसी नेट चैनल के साथ साथ अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी आप लोगों को पढ़ाती हूँ। NTA यूजीसी नेट डोमेन में जाकर सर्च बार में जब आप मेरा नाम लिखेंगे गाइस तो आपको मैं मिल जाऊंगी, या फिर अभी आप डिस्क्रिप्शन खोल के देखोगे तो उसमें जो पहला लिंक है वो मेरी प्रोफाइल का ही है जो आपको इस पेज पर लैंड करेगा। यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा गाइस एक फॉलो का बटन, इस फॉलो के बटन से आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी जितनी भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है जिसको हम लोग स्पेशल क्लासेस बोलते हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। पुरानी स्पेशल क्लास रिकॉर्डिंग्स देखना भी आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा गाइस, क्योंकि समय अब कम बचा है, 50 दिन के लगभग आपके एग्जामिनेशन में बच गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो चीज़ें हैं ये रिविजन पर्पस के लिए बहुत काम में आएंगी। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होती हैं, कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ एक रेफरल कोड लगाना होता है, आप रजिस्टर हो जाओगे और आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास मिल जाएगी। इसी के साथ साथ मेरे जितने भी प्लस कोर्सेज हैं, जो भी बच्चा प्लस ज्वाइन करना चाहता है, अपनी पूरी कंप्लीट तैयारी करना चाहता है Paper 1 और Paper 2 की, साथ ही साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के उसी प्लस कोर्स में आपके मॉक टेस्ट हो जाएंगे, उसी में आप लोगों की PDF हो जाएगी, और साथ ही साथ आप लोगों को एक पर्सनल कोच भी मिल जाएगा।
तो अगर ये सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं तो भी सेम रेफरल कोड आप लोग यूज कर सकते हैं गाइज, है ना। अदिति 10 से आप लोगों को वहां पर भी काम मिल जाएगा। फीस बहुत ही नॉमिनल है जैसा कि आप लोग जानते हो। और आज का जो टेस्ट है अपना, याद है आज का टेस्ट इस क्लास के तुरंत बाद होने वाला है, 8:30 बजे होने वाला है, राइट। 8:30 बजे होने वाला है सुबह, इसी क्लास के तुरंत बाद। और आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग और कम्युनिकेशन। साथ ही साथ याद रखिएगा कि आज मैं आप लोगों के लिए हायर एजुकेशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है QS रैंकिंग, उसको लेकर भी एक स्पेशल क्लास बनाऊंगी गाइस। और ये क्लास जो है वो मोस्ट प्रोबेबली रात को 8:30 बजे होने वाली है, ठीक है ना, जिसमें आप लोगों से मैं QS रैंकिंग के बारे में बात करूंगी। अब वीडियो को सभी लोग एक बार जल्दी से शेयर कर दें सो दैट हम लोग क्लास को स्टार्ट कर सके। और क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के साथ में यहाँ पर लिख दिया है। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल रेटिंग्स के अकॉर्डिंग गाइज आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऐसा पहला रेलवे स्टेशन बना है महाराष्ट्र का जिसको गोल्ड सर्टिफिकेशन मिला है। अब वीडियो को सभी लोग शेयर कर दें एक बार जल्दी से। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल रेटिंग IGBC फुल फॉर्म याद रखेंगे, इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा महाराष्ट्र रेलवे स्टेशन है गाइज जैसे गोल्ड सर्टिफिकेशन मिला है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गाइज छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि एकदम सेंट्रल रेलवे के अंडर आता है। पहला रेलवे स्टेशन मिला है महाराष्ट्र के अंदर जैसे गोल्ड सर्टिफिकेशन मिला है एज पर CII's इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल रेटिंग, ठीक है। सेंट्रल रेलवेज ने ये इंप्लीमेंट किया था गाइस ग्रीन इनिशिएटिव के अंदर, बहुत सारी जोन्स में जितनी भी सेंट्रल रेलवेज के अंडर आती है उनके अंदर, राइट, विद अ प्लांटेशन ऑफ ग्रीन एरियाज, है ना, क्रिएटिंग ग्रीन एरियाज, सोलर पैनल्स लगाना, बेसिकली सस्टेनेबल एनर्जी को प्रमोट करना। सस्टेनेबल एनर्जी को प्रमोट करते हुए तो छत्रपति शिवाजी स्टेशन जो है वो पहला स्टेशन बनाया गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, यूएन जनरल असेंबली जो है UNGA, उन्होंने गाइस कितने साल तक का इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बोला है? किसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बोला है 2022 को, 23 को, 24 को और 25 को, इनमें से किसे बोला है? और ये भी बता दो ये ऐसा क्यों हुआ है। KGM ग्रुप, हमें भी तो गुड मॉर्निंग बोल दिया करिए, बिल्कुल बोल दिया, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। किसे बोला है गाइस ईयर ऑफ मिलेट्स? मिलेट्स तो आप जानते ही क्या होता है, बाजरा। तो देखो 193 मेंबर्स हैं किसके, UNGA के, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, और इन्होंने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गाइस। ऐसा क्यों किया है 2023 को, 22 को नहीं 23 को? सबसे ज्यादा ध्यान से इस मिलेट क्रॉप को कंसिडर किया गया है और इंडियन स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया है सो दैट 70 और नेशंस जो है वो इसके अंदर आएंगे और 2023 तक बहुत भारी मात्रा में मिलेट्स को प्लांट और हार्वेस्ट करने की बात की गई है, इसीलिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है वो 2023 को बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच कंट्री हैज टॉप्स द लिस्ट ऑफ सिटीज इन ईज ऑफ लिविंग इन 2020? ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं गाइस। कौन सी ऐसी सिटी है जिसने सिटी ऑफ ईज ऑफ लिविंग में अपनी जगह सबसे ऊपर बनाई है? बिल्कुल हैदराबाद यहाँ पर आंसर कर रहे हैं और गलत आंसर हो रहा है ये। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी बी। तो बेसिकली बेंगलुरु जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, जो कि बेस्ट सिटी माना गया है ऑन ईज ऑफ लिविंग पैरामीटर्स। अराउंड 49 मिलियन प्लस सिटीज है
जिसमें पुणे सेकंड पोजीशन पे आया गाइस। तो आईटी का जो मेजर हब है, फर्स्ट मेजर हब ऑफ आईटी दैट इज बैंगलोर, तो बैंगलोर जो है वो नंबर वन पे आया है। और दूसरा जो इमर्जिंग आईटी हब बन रहा है हमारे देश का, पुणे, वो जो है नंबर टू पे आया है। ठीक है ना, जितनी भी आपकी यूनियन हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर जितनी भी सिटीज हैं, 49 मिलियन प्लस सिटीज, उनमें से यहाँ पर ये लिस्टिंग कंडक्ट की जाती है। हरदीप सिंह पुरी जो यहाँ के अभी मिनिस्टर हैं, उन्होंने 4 मार्च को 2021 में गाइस ये क्या किया, यहाँ पर इसे कंडक्ट किया गया। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, चेन्नई यानी कि बैंगलोर इसकी करेक्ट आंसर होने वाला है, हैदराबाद नहीं है। ठीक है ना, ईज ऑफ लिविंग पैरामीटर्स अगर हम लोग बात करें इस लिस्ट के अंदर, तीसरे नंबर पे अहमदाबाद आता है गाइज। और अगर बात की जाए टॉप 10 की लिस्ट में, तो नवी मुंबई और ग्रेटर मुंबई भी इस लिस्ट में आता है। साथ ही साथ अगर नोटिस करो तो गुजरात के बहुत सारे शहर हैं, देख लो, अहमदाबाद है, सूरत है, वडोदरा है, अब क्या कहें, बट है ठीक है, चलिए इंदौर, एमपी भी आ गया यहाँ पर, कोइंबटूर भी है, ठीक है। बट मेजरली अगर हम लोग बात करें स्कोर की, तो यहाँ पर बेंगलुरु जो है वो नंबर वन पे आता है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं आपसे हर रोज गाइस डिस्कस करती हूँ एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन पर, जो आपका साउथ कोऑपरेशन एसोसिएशन है वो किसके साथ में है, इसका मतलब क्या है। अब अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे और जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार अटेंडेंस लगा दे, लाइक कर दे, ताकि मुझे पता चल जाए कितने लोग हैं क्लास के अंदर, है ना, एक बार मुझे आइडिया लग जाएगा जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं। साउथ साउथ कोऑपरेशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, कोऑपरेशन अमंग्स डेवलपिंग कंट्रीज, डिफेंस कन्वेंशन, समिट ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, एज एक्सपेक्टेड मुझे लगा था कि सभी लोग डी इसका आंसर लगाएंगे, तो गलत आंसर इसका डी है। साउथ साउथ कोऑपरेशन का मतलब ऑल ऑफ द अबव नहीं है, कोऑपरेशन अमंग्स डेवलपिंग कंट्रीज ओनली, डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन के बीच की समिट्स नहीं होती है यहाँ पर, कोऑपरेशन अमंग्स डेवलपिंग कंट्रीज। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ए, नॉट बी और सी, या फिर डी तो हो ही नहीं सकता। कुछ लोग हैं जैसे निक्की रानी हैं, उन्होंने सही आंसर दिया है, कुछ लोग हैं जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, आप लोगों से बोल रही हूँ, कॉग्निजेबल ऑफेंस इसका क्या मतलब होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस इसका मतलब क्या होता है। वेयर ऑफेंस कैन बी इन्वेस्टिगेटेड ओनली ऑन द डायरेक्शन ऑफ कोर्ट, वेयर द ऑफेंस कैन बी इन्वेस्टिगेटेड बाय पुलिस सब मोटो, वेयर बेल कैन बी ग्रांटेड ओनली बाय द मैजिस्ट्रेट, या फिर वेयर बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड टू अक्यूज्ड। कॉग्निजेबल ऑफेंस का क्या मतलब होता है, किस ऑफेंस को कॉग्निजेबल बोला जाता है। देखिए गाइस, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, हम उस ऑफेंस को कॉग्निजेबल बोल सकते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन होती है डायरेक्टली कोर्ट के द्वारा, आई मीन अगर कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है तो ही इन्वेस्टिगेशन होगी, अदरवाइज इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है। सो देयरफॉर द फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर यहाँ पर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम ये क्वेश्चन क्यों डिस्कस कर रहे हैं। देखिए गाइस, लास्ट ईयर के अगर एग्जाम को आप लोग कंसिडर करें, या उससे पहले की भी एग्जाम्स को आप कंसिडर करो, तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर साइबर लॉ है ना, साइबर लॉ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो कुछ ऑफेंस जो है वो आप लोगों की जो प्रैक्टिकल सेंस है उससे डिजिटल लेवल पे जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए, राइट। जिसी तरीके से मैं आप लोगों से डिजिटल जो जितने भी आपके साइबर लॉज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करूंगी इन्हीं 8 बजे वाले वीडियोज के अंदर ही, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डोमेन होती है, इसीलिए बोल रही हूँ कि ऐसी कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए कि कॉग्निजेबल ऑफेंस का क्या मतलब होता है, साइबर सैबोटेज का क्या मतलब होता है, ठीक है ना, किस तरीके से साइबर बुलिंग के क्या रूल्स हैं, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ व्हाट, किसकी वजह से आपको जेल हो सकती है, किसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे अभी आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा, बहुत ही सारे न्यूज यहाँ पर सर्कुलेट हो रही है कि 10 ऐसी चीजें जो आप गूगल पे नहीं सर्च कर सकते हो, क्योंकि इंडियन
जो एसोसिएशन है गाइस, हमारी जो पूरा देश है वो कंपैरेटिवली पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वल्नरेबल माना जाता है हैकर्स के लिए, है ना। सबसे ज्यादा जो थ्रेट्स हैं वो हमारे देश में माने जाते हैं, क्योंकि हम सिक्योरिटी को हमेशा प्रायोरिटी नहीं देते हैं। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम देते हैं रिसोर्सेज को, कॉस्ट को, कॉस्ट कटिंग को हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं कंपैरेटिवली सिक्योरिटी से। तो इसीलिए इंडियन वेबसाइट्स जो होती हैं, जो इंडियन आप लोगों का पूरा सर्वर डोमेन है, उसे वल्नरेबल माना जाता है। उसमें बहुत सारे लूप होल्स होते हैं, तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा न्यूज़ यहाँ पर सर्कुलेट हो रही है, जिसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ऑल दो वो तो बाकी सारी चीज़ें चल रही है कि 10 ऐसी चीज़ें, 10 वैसी चीज़ें, आपको अपनी सिक्योरिटी का ध्यान अपने आप से रखना होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में आप ध्यान रखिए। ऑफकोर्स ऐसी वेबसाइट्स जो आप लोगों को दिखने से ही पता चल जाती है, कुछ ऐसी होती है वेबसाइट्स जो आप लोगों के सर्वर ने ऑलरेडी ब्लॉक की हुई है, क्योंकि आप सबके में यहाँ पर फायरवॉल इंस्टॉल्ड होता है, वो पहले से ही ब्लॉक करके रखता है। आप लोगों को बोला जाता है दैट यू आर नॉट रजिस्टर्ड, या फिर बेसिकली दिस वेबसाइट इज नॉट रजिस्टर्ड, तो जबरदस्ती उसे खोलिए मत। और जो आप लोग अपने एक्सेस दे देते हो, अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल में आप कोई भी ऐप खोलते हो, कोई भी साइट खोलते हो, तो वो आपका माइक्रोफोन का एक्सेस मांगता है, आपके कॉन्टेक्ट्स का एक्सेस मांगता है। हम बिना कुछ सोचे समझे सारे एक्सेस दे देते हैं। इनका पॉजिटिव यूज भी होता है, डेटा साइंस में भी इनका यूज होता है। डेटा साइंस में कैसे यूज होता है, आप ही के डेटा को यूज करके आप ही को एड्स दिखाते हैं। आज आप जिस चीज के बारे में सोच रहे हो, जिस चीज के बारे में बात कर रहे हो ना, आपका माइक्रोफोन उसका डेटा लेगा और उस डेटा के अकॉर्डिंग आप लोगों को एड्स दिखाने लग जाएगा आपके गूगल फीड के अंदर। ये है डेटा साइंस का लेवल। तो अब आप हिम्मत समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस लेवल पे चीजें चल रही है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, वेयर ऑफेंस कैन बी इन्वेस्टिगेटेड ओनली थ्रू द डायरेक्शन ऑफ कोर्ट। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी होती है, पता होनी चाहिए कि आज कल क्या चल रहा है चीजें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब पीपल एनवायरमेंट का एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, सावना रीजन जो है वो ब्राजील के अंदर है, आपको ये बताना है इसे हम लोकली किस नाम से जानते हैं। जी बिल्कुल, एपी डार्क वेब भी से बोला जाता है। अब आप लोग वीडियो शेयर करोगे और अटेंडेंस लगाओगे तो देखो मैं आप लोगों के लिए सारी चीजें जरूर लेके आऊंगी, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो। मैं तो वीडियो बना देती, बोलते नहीं हम नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड हो तो फिर देखो अलग बात है, मगर अगर सच में इंटरेस्टेड हो तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो आप लोग कॉमेंट करके बताया करो और वीडियो को मैक्सिमम शेयरिंग करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भाई क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, देखो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो करेक्ट आंसर दे रहे हैं, है ना। सेरेडो जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। कहां पर आता है ये, ब्राजील है कहां पर, कौन से कॉन्टिनेंट में आता है ब्राजील, जरा ये बताइए तो मुझे जल्दी से। अभिनव कह रहे हैं मैम कॉग्निजेबल ऑफेंस में कोर्ट के डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, नॉन कॉग्निजेबल में होती है। नहीं अभिनव, मैंने जितना पढ़ा है तो मैंने तो उल्टा पढ़ा है, बट अगर आपको लगता है स्टिल तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एक बार दोबारा से इस पर डिस्कशन करेंगे, ओके। मैं कल दोबारा से आपको कन्फर्म कर दूंगी, बट मेरे अकॉर्डिंग हमने सही डिस्कस किया है। ब्राजील कहाँ पर है, बहुत सारे जो हमारे मिसकंसेप्शन होते हैं उनमें से एक मिसकंसेप्शन है कि ब्राजील को हम अफ्रीका में पहुंचा देते हैं, ठीक है ना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो गलत आंसर है, ब्राजील जो है वो आपका साउथ अमेरिका के अंदर है, ठीक है ना, साउथ अमेरिका के अंदर है, बस ये चीज याद रखनी थी, ठीक है। अच्छा पामस जो है वो भी बहुत फेमस है, कहां पर है पैम्पस, सॉरी ये कहां पर है, ये कहां पर है, ये अर्जेंटीना में है, ये अर्जेंटीना है, ठीक है। और अर्जेंटीना जो है कैपिटल जिसकी ब्रूनो एरीज है, बहुत सारे बच्चे हैं जो बोल रहे हैं लास्ट क्वेश्चन के लिए। चलिए एक बार मैं दोबारा से चेक कर लूंगी, बट मोस्ट प्रोबेबली नॉन कॉग्निजेबल, चलिए मैं एक बार दोबारा से इसको देखकर आप लोगों को बताऊंगी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, अभी रिसेंटली एक नेशनल रिकॉर्ड जो है वो सबमिट किया गया, उसे शैटर गया सबसे पहले तो, और एक नया रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर सबमिट किया गया। आप लोगों से क्या पूछ रही हूँ, क्या है वो नया रिकॉर्ड, वो है 20 किलोमीटर वॉक का नेशनल रिकॉर्ड। किसने शैटर किया है, लक्ष्मी सिंह जी ने, लक्षिता पांडे ने, प्रियंका गोस्वामी ने, या संचिता दास ने।
20 किलोमीटर वॉक, है ना? आप सब एग्जाम दे लीजिए, फिर हम सब भी चलेंगे इस रिकॉर्ड की तरफ, सब 20 किलोमीटर चलेंगे। चलिए ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं बी होगा, मैं एक बार कंफर्म कर लूंगी। तो अभी उस क्वेश्चन को हम ऐसे ही कंसिडर करते हैं। हाँ, अर्जेंटीना भी साउथ अमेरिका में ही है। बताइए किसने किया शटर गाइस? देखो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी प्रियंका गोस्वामी, जो 25 साल की उम्र के अंदर इन्होंने ये काम करके दिखाया है। फोर्थ इंटरनेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जो रांची के अंदर हुई थी, धोनी का शहर झारखंड, राइट, अराउंड 1 घंटा 28 मिनट और 45 सेकंड के अंदर इन्होंने ये चीज करके दिखाई है, 20 किलोमीटर की वॉक। भाई साहब, या देखो वॉकिंग तो मुझे भी बहुत पसंद है ना यार, आप में से कितने लोग हैं भाई, कितने लोगों को वॉकिंग वगैरह पसंद है? देखो वॉकिंग गाइस एक वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज में से एक आती है। बहुत सारे लोग वॉकिंग को जो है वो बहुत ज्यादा डीमोटिवेट करते हैं या बहुत ज्यादा समझते हैं कि नहीं इससे कुछ नहीं होता है, स्किपिंग हो गई, रनिंग हो गई, उससे बहुत अच्छा होता है। बट वॉकिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जो फुल बॉडी वर्कआउट आपका करवाती है, ठीक है ना, पूरा का पूरा। जैसे साइकिलिंग है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लेग पोर्शन पे कवर करती है, एब्स हो गए वो आपके सिर्फ एब्डोमेन वाले पोर्शन पे जाएंगे, स्क्वाट्स आपके थाई पोर्शन पे जाएंगे, या काफ की आप अलग से एक्सरसाइज कर सकते हैं, ऐसे अलग अलग होता है। वॉकिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आप अगर ढंग से डिसिप्लिन के साथ में वॉकिंग करें तो वो क्या होता है, आप लोगों का कार्डिक रेट जो होता है, बेसिकली काम क्या है, कोई भी आप लोगों ने अगर कार्डियो करना है तो हार्ट रेट ऊपर ले जानी है। एक बार अगर हार्ट रेट ऊपर लेके जाओगे तो पूरा दिन फैट बर्न होगा। तो वॉकिंग एक ऐसी एक्सरसाइज मानी जाती है जो कैसी रहती है आपके लिए, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल, और ज्यादा इसके लिए जरूरत भी नहीं है, है ना, धीरे धीरे इसका स्टेमिना जो है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है। सबसे सिंपल, सबसे स्वीट, और क्या कहते हैं उसको, सबसे बढ़िया एक्सरसाइज होती है। तो सभी लोगों को ये एडवाइस की जाती है, और जितने लोग जो वॉकिंग करते हैं ना उनका दिमाग भी बहुत अच्छा रहता है गाइस, बहुत फ्रेश और बहुत शार्प लगता है, राइट। वॉकिंग पे चलेंगे जरूर, सभी लोग चलेंगे गाइस, देखो मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है वॉकिंग, तो अपन जरूर चलेंगे इसमें, ठीक है। आप लोग अभी पढ़ लीजिए, पर 20 किलोमीटर तो मेरे को लगता नहीं आते, तो अपन यही बीच में ही ढेर हो जाएंगे। कोई नहीं, अपन 20 का जीरो हटा के 2 किलोमीटर कर लेंगे। कोई नहीं, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, वॉकिंग हो गई ओवर, आ जाओ नीचे। आप लोगों से पूछ रही हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैज रिसेंटली रिलीज्ड ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी रिपोर्ट। ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी। हमारा देश जो है गाइस कई चीजों में नंबर वन है, जिसमें पॉपुलेशन में नंबर वन तो नहीं है, नंबर टू है, बहुत जल्दी नंबर वन पे आ जाएंगे। रोड इंसिडेंट्स पे, रोड एक्सीडेंट्स में हम नंबर वन पे आते हैं। हमारे देश में कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम चलाते ही ऐसे हैं, है ना, ये आप पे और हम पे ही डिपेंड करता है। तो बेसिकली हुआ क्या है, एक ट्रैफिक क्रैश इंजरी और डिसेबिलिटी रिपोर्ट है जो जनरेट की गई है, द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी। किसने इसे रिपोर्ट को जनरेट किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही। देखो आपका जो रोड ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट हाईवे और MSME, है ना, मीडियम स्केल आप लोगों की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो मिनिस्टर हैं उन्होंने ये किया है, और ये जो चीज है ये वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट की है। ये जो रिपोर्ट है गाइस ये वर्ल्ड बैंक ने दी है, ठीक है, नहीं ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं देगा ये, और ना ही ADB को क्या ही मतलब है, मुझे एक बात बताओ, ADB को क्या मतलब है इस चीज से? कंफ्यूजन ए या बी में हो सकता था, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गाइज बी, ठीक है ना। तो बेसिकली सीन क्या हुआ है, देखो नितिन गडकरी जो आप जानते हो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने मिलकर ये काम किया है द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी। बेसिकली यहाँ पर जितने भी एक्सीडेंट प्रोन एरियाज हैं उन पे अवेयरनेस भी क्रिएट हो ही रही है, इस रिपोर्ट को देखकर पता तो चल ही रहा है। साथ ही साथ सेफ लाइफ फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर पैसों के बारे में भी बातचीत होगी, ठीक है ना। तो जितने भी आप लोगों की पॉलिसीज बनने वाली है वो बनाने वाले हैं हम पुअर को, और सेवरल जो आप लोगों के रीफॉर्मेटिव स्टेप्स हैं वो यहाँ पर लिए जाएंगे, ताकि एक्सीडेंट्स को हम कम से कम करा जा सके,
जो ज्यादा एक्सीडेंट प्रोन एरियाज हैं उनको हम सेफ्टी प्रोवाइड कर सके, कैसे, एक अलार्मिंग सिनेरियो बना के। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा कि ट्रैफिक सिग्नल्स का पालन करने के लिए अलग अलग तरीके की स्कीम जो है वो अलग अलग स्टेट फॉलो कर रहा था। जैसे मैंने एक वीडियो देखा था चंडीगढ़ का, है ना, चंडीगढ़ से कौन है यहाँ पर भाई, आप लोगों के शहर में आप लोगों ने भी देखा होगा चंडीगढ़ के अंदर ट्रैफिक सिग्नल पर अगर आप जेब्रा क्रॉसिंग के से आगे ले जाके, क्योंकि हमारा कंपटीशन होता है ना हम सब में कि कौन सबसे आगे जाके खड़ा होगा, और ऐसे साइड से साइड से, जिनका टू व्हीलर होता है वो अच्छे से समझते होंगे, ऐसे साइड साइड से हम सबसे आगे जाके खड़े होते हैं, ऐसा लगता है कि बिल्कुल सबसे आगे खड़े हैं, यही है यहाँ पर स्टीव रॉजर्स और पीछे इनकी पूरी एवेंजर्स की टीम है, इनको सबसे आगे जाके खड़ा होना है। तो वहां पर आप खड़े होते हो, तो अगर आपने जेब्रा लाइन को क्रॉस करके आप खड़े होते हो रेड लाइट के अंदर भी, और कुछ लोग तो वैसे रुकते भी नहीं है, बट अगर आप क्रॉस करके, तो वहां पर यमदूत जो है वो उनके ड्रेसअप लेकर पूरा अटायर बन के वो आते हैं, वो आपकी गाड़ी को पीछे करते हैं। अगर आप सिग्नल्स को फॉलो नहीं करते हो तो भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। बेसिकली इन एक्टिंग के द्वारा आप लोगों को सिखाया जाता है, स्पेशली छोटे बच्चों को ये सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बड़े तो देखो सीख लिए, छोटे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उनको आगे जाके ये चीज करनी है, तो वो जो बड़े को करते देखते हैं वो ही सोचते हैं, उनको लगता है कि ये स्टाइल है, इस तरीके से साइड से आगे निकल के खड़ा होना एक स्टाइल होती है, एक चैलेंज होता है, बट ऐसा नहीं है। अलग अलग शहर में ऐसा हो रहा था, हमारे शहर में भी हो रहा होगा, आपके शहर में भी हो रहा है, मैंने बस एक वीडियो देखा था इसलिए मैंने आपको बताया कि वहां पर यमदूत का पूरा गेटअप लेकर जो है वो ट्रैफिक सिग्नल्स को यहाँ पर फॉलो किया जा रहा था। राइट, 1994 के अंदर वर्ल्ड बैंक, आप सब जानते हैं, IBRD और IDA दोनों की फुल फॉर्म्स भी इंपॉर्टेंट है। राइट, 189 कंट्रीज जो है वो इसका मेंबर है और 173 कंट्रीज है जो IDA का मेंबर है। राइट, इससे पहले कि मैं आप लोगों को कुछ और नए क्वेश्चंस कराऊं, मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस बना के लाई थी पीपल एनवायरनमेंट के। जैसे देखो आप लोगों से ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, एस्चुरी के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है अबाउट एस्चुरी। कल मैंने आपको इकोटोन समझाया था, देखो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको हमेशा पता होने चाहिए रिगार्डिंग योर पीपल एनवायरनमेंट टॉपिक। देखो स्टेटमेंट्स पढ़िए और आंसर मुझे बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सूरज कुमार जी आप जाग जाइए, गुड मॉर्निंग, क्योंकि पेपर टू की क्लासेस शुरू हो चुकी कब से, ठीक है ना, 7वीं यूनिट चल रही है, प्लस पे क्लास होती है 5 बजे, अभी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा रहे हैं और कल रात से ही मैंने शुरू कर दिया यूट्यूब पे भी सेशन 8 PM, तो मेरी क्लासेस तो रेगुलर है। अब आप लोग ढूंढते भी नहीं हो क्लासेस, तो अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती यार, है ना, अब आप लोग भी समझिए कि मैं क्लासेस बनाऊं, कंटेंट पे फिल्टरेशन करूं या फिर ये सब बताती रहूं। मैं आपको हर रोज क्लास के बारे में बताती हूँ, अभी भी बता रही हूँ कि सुबह सुबह 8:30 बजे तो आपका पेपर वन का टेस्ट होता है, बोलती हूँ ना हर रोज होता है टेस्ट। देखो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो देने वाले हैं भाई, 1 एंड 2 आंसर्स यहाँ पर मोस्टली मुझे मिल रहा है। एश्चुरी इज अ प्लेस वेयर द रिवर फ्रेश वाटर मीट्स विद द ओशियन वाटर, द एरिया इज हाईली प्रोडक्टिव, दिस एरिया इज हाईली अनप्रोडक्टिव, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। देखो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन बना दिया, ऑल ऑफ दी अबव तो कैसे होगा क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शन अगेन एक दूसरे में कॉन्ट्रोडिक्ट्री कर रहे हैं, तो दोनों ही गलत हो जाते हैं और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी। एश्चुरी जो होता है गाइस वो ओपनिंग होती है जहां पर रिवर का जो फ्रेश वाटर होता है वो ओशियन से मिलता है, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, एश्चुरी, बिल्कुल सही बात है। और ये क्या प्रोडक्टिव होता है, बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होता है यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी कंडिसिव कंडीशन जो है वो मिलती है डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज को डेवलप करने के लिए, तो बिल्कुल सही बात है। एश्चुरी जो है वो एक ऐसा प्लेस जहाँ पर रिवर या स्ट्रीम मिलती है ओशियन वाटर से, और ये जो आपका प्लेस होता है ये बहुत अच्छा होता है डिफरेंट स्पीशीज के लिए और हाई होता है प्रोडक्टिविटी के अंदर, बिल्कुल सही बात है, तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप लोगों से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट बायोस्फीयर, बायोस्फीयर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, ये भी आप लोगों से पूछ रहा है, जल्दी बताइए। बायोस्फीयर के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस सी।
यूनिफॉर्मली प्रेजेंट नहीं होते हैं ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर. बायोस्फीयर होता क्या है? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, तीनों की कॉम्बिनेशन को हम लोग बायोस्फीयर बोलते हैं. बिल्कुल सही बात है. सेकेंड स्टेटमेंट है, बायोस्फीयर इज मिसिंग एन एक्सट्रीम ऑफ नॉर्थ और साउथ पोल. ये भी आपका बिल्कुल सही बात है. गलत बात क्या है यहाँ पर? ऑर्गेनिजम्स जो है वो आपके यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होते हैं. ठीक है ना, ये आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है. ठीक है, इनकरेक्ट बताना था. अब अगर ये भी आप गलत पढ़ते हो, करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट बताना था. जो भी लोग बी आंसर कर रहे हैं उन्हें मैं ये बता दूं, इनकरेक्ट बताना था. ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं यूनिफॉर्मली पूरे वर्ल्ड के अंदर, ऐसा नहीं होता है. तो सी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है. ऑल ऑफ दी सो वैसे ही गलत हो गया. तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा. तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के. कल कुछ और क्वेश्चंस लेके आऊंगी, स्टैटिक भी और करंट अफेयर तो ऑफकोर्स रोज डिस्कस करूंगी ही. कल आप लोगों से डिजिटल अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ सेम टाइम पर. अभी चलते हैं गाइस, क्लास शुरू हुए 2 मिनट हो गए हैं. 8:30 पर आप लोगों का टेस्ट होने वाला है. तो ये स्पेशल क्लास का टेस्ट है. लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन खोलिए, उसमें पहला लिंक मेरी प्रोफाइल पर है. जो भी लाइव क्लास दिखा रहा होगा उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा. ठीक है गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, लगा कि मैंने मेहनत करी है, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा. ठीक है ना, प्लस या फिर आइकॉनिक, दोनों में से जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो. फीस आपको पता है बहुत नॉमिनल, और अभी चार्जेस 10% डिस्काउंट के साथ में है. कुछ दिनों बाद हो जाएगा ये 5%. अगर आप लोगों को PhD में एडमिशन लेना है तो पर्सनल कोच के लिए 6 महीने वाला आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लो और अपनी तैयारी अपनी अभी से शुरू कर दो गाइज. थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से अभी 8:30 और फिर 10 बजे मिलूंगी आप लोगों से, जहां पर डिस्कस करेंगे ICT के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस.